आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी की जो पूरी आती है वो बनाने वाले हैं, और 100% गारंटी के साथ ही आपकी पूरी अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी तरह से ये फूलेगी और एकदम कुरकुरी बनेगी। ये बिल्कुल भी फेल रेसिपी नहीं है, एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बनाना, आपके पहली बार में ही अच्छी बन जाएगी ये पूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसके अंदर 1 कप आटा लिया है, और यहाँ पे 1/4 कप सूजी लिया है, और सूजी और आटे को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे पानी डाल के इसको अच्छी तरह से डो तैयार करेंगे। हमें इसमें कोई भी नमक और तेल नहीं डालना है, और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे एकदम सख्त आटा भी नहीं गूंदना है और ना ही एकदम नरम गूंदना है, हमें इसे रोटी से भी थोड़ा सा कठिन इसको हमें गूंदना है। और यहाँ पे मैंने जो पानी लिया है वो पूरा पानी मैंने लिया है 170 ml लिया है पानी, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालूंगी और अच्छी तरह से इस डो को तैयार करूंगी। हमें इसे अच्छी तरह से मसल मसल के ही तैयार करना है, इससे क्या होगा कि जो हमारी पूरियाँ है वो एकदम कड़क बनेगी। तो अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए और डो तैयार कर लीजिए। तो पूरी का डो यहाँ पे तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हो कि ये एकदम नरम भी नहीं है और एकदम सख्त भी नहीं है, बस इसी तरह का हमें ये तैयार करना है। और आप उंगली की मदद से भी चेक करोगे तो हमें हमारी उंगली एकदम अंदर भी नहीं जानी चाहिए, बस इस तरह का रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक कपड़ा ले लेंगे या रुमाल छोटा सा ले लीजिए, उसको गीला करने के बाद आटे के ऊपर हम इस तरह से कवर कर लेंगे इसको। इसे क्या होगा कि जो आटा है वो सूख ना जाए, वो इस तरह से ही नरम ही रहे। तो बस हमें इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आधा घंटा हो चुका है, और आधे घंटे के बाद यहाँ पे मैंने रुमाल ले लिया है इसके ऊपर से, और थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच जितना तेल डाल के हम इसे 2 मिनट के लिए और मसल लेंगे। अच्छी तरह से मसलने के बाद यहाँ पे मैंने दोनों हथेलियों के ऊपर तेल लगा लिया है। उसके बाद जो डो था उसको 3 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया है, और छोटी छोटी इसमें से लुइयाँ तैयार कर ली है। अब हम इसमें से 1 लुई लेंगे, और जो 2 लुइयाँ थी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो गीला कपड़ा था वो ढक देंगे। तो इस तरह से 1 लुई में से हम इस तरह का लंबा सा रोल तैयार करेंगे, और इसको चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, और इसमें से भी हम छोटी छोटी लुइयाँ तैयार करेंगे जिसे हम पूरी तैयार करेंगे। तो सभी आटे की हम इस तरह से छोटी छोटी लुइयाँ तैयार कर लेंगे। तो सारी लुइया यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, और अच्छी तरह से हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और एकदम अलग अलग रहेगी। तो बस इसी तरह से आप तेल अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लीजिए, और उसके बाद हम 1 लुई लेंगे और उसकी छोटी छोटी पूरियाँ बेलेंगे। तो यहाँ पे हमें पूरी बेलने पर बहुत ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे एकदम पतली भी नहीं बेलनी है और एकदम मोटी भी नहीं बेलनी है। जब आप एकदम पतली पूरी बेलेंगे तो क्या होगा कि जब इसको फ्राई करेंगे तो वो एकदम पपड़ी जैसी बन जाएगी, वो फूलेगी नहीं। तो आपको इस तरह से ना ही पतली ना ही मोटी बेलनी है, और हमें पूरी चारों ओर से एक समान ही हमें इसको बेलना है। तो क्या होगा कि वो जब हम कढ़ाई में डालेंगे तो वो एकदम फूलेगी, और क्या होगा कि वो सख्त यानी थोड़ी सी अच्छी कड़क बनेगी, कुरकुरी बनेगी, एकदम नरम पूरी नहीं बनेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आप पूरी फ्राई करके उसको बाहर निकालते हो तो वो जो हम सब्जी के साथ पूरी खाते हैं उस तरह की नरम बन जाती है, पर इस तरह से आप बेलने में ध्यान रखोगे
तो ये परफेक्ट कुरकुरी पूरी बनेगी, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। तो इसी तरह से मैं सब पूरियाँ बेल लूँगी, और हमें यहाँ पे पूरी को इस तरह से बेलने के बाद छोड़ नहीं देना है। हम इस तरह से एक रुमाल यानी कि कोई कपड़ा लेंगे, वो गीला होगा, उसके ऊपर हम एक एक पूरी डालेंगे, और उसके ऊपर जो हमने कपड़ा ढका है वो भी हमें गीला ही इसको ढक के छोड़ना है। एक एक पूरी बेलेंगे और इसको इस तरह से ढकते जाएंगे। तो यहाँ पे सारी पूरियाँ बेल चुकी है, उसको आधे घंटे के लिए मैंने फिर से छोड़ दिया था। इस तरह से कपड़ा ढकते हुए ही हमें इसे छोड़ देना है। तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है, और ये तेल एकदम गरम है और ये एकदम हाई फ्लेम पे तेल है, तो एकदम इसमें से धुआं आए उस तरह का हमें तेल यहाँ पे रखना है। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी पूरियाँ लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब हमें फ्राई करते वक्त भी एक ध्यान रखना है कि जो पूरी हमने कपड़े में बिछाई थी उसका जो नीचे का भाग है वो तेल के अंदर कढ़ाई में भी नीचे ही जाएगा, तो ही आपकी पूरियाँ अच्छी तरह से फूलेंगी। यानी कि हमने पूरी बेलने के बाद जो पूरी का नीचे का भाग है वो तेल में भी नीचे की साइड ही जाएगा, ना ही ऊपर की साइड। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, इससे भी आपकी पूरियाँ पपड़ी जैसे भी बनती है और फूलती भी नहीं है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो पूरी हमने नीचे की साइड रखी थी कपड़े के ऊपर, वो ही हमें कढ़ाई तेल में नीचे की साइड ही जानी चाहिए, और हमें इसे एकदम हाई फ्लेम पे ही फुलाना है। और ये 30-40 सेकंड में तो पूरियाँ फूल जाती है, और तलने के समय हमें इसे अलट पलट करते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है बस, तो वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक भी जाती है। तो बस ये पूरी बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम कुरकुरी पूरी बनेगी और फूलेंगी, आप इस तरह का ध्यान रखेंगे तो। तो बारी बारी करके यहाँ पे मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है, और यकीन मानिए ये पूरियाँ बहुत ही बाहर मार्केट में जो मिलती है, लारी पर मिलती है, गोलगप्पे के पवाले के पास जो मिलती है, उसी तरह की बनी थी, और घर में एकदम शुद्ध बनती है ये पूरियाँ। हमारे घर का ही पानी होता है, हमारे घर का ही एकदम शुद्ध आटा होता है, सब होता है, तो हमारे बच्चों भी खाएंगे तो हमें यहाँ पर एकदम हाइजीन पूरियाँ मिलेगी। और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि हमें आटा कैसा गूंदना है, पूरी हमें पतली मोटी किस तरह की बेलनी है, उसको किस तरह से हाई फ्लेम पे पकाना है, सॉरी फ्राई करना है, उस सब का बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी 100% ये पूरियाँ फर्स्ट ट्राई में ही आपकी पूरियाँ पास हो जाएगी, यानी कि बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से ज़रूर आप एक बार ट्राई करना, और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक तो ज़रूर करिएगा, और आपके जो फ्रेंड और फैमिली ग्रुप है उसमें भी आप इसे ज़रूर शेयर करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करना। तो इस तरह के हम आगे और बहुत सारे वीडियोस लाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरी सारी पूरियाँ अच्छी तरह से फूल चुकी है, और यहाँ पे पूरी को आपको इस तरह से थोड़ी लाल पूरी हो तब तक आप इसको फ्राई करें, क्योंकि ऐसी ही पूरियाँ पानी पूरी में अच्छी लगती है। आपको थोड़ा लाइट कलर चाहिए तो आप उस तरह के भी आप फ्राई कर सकते हो। तो देख सकते हो एकदम बहुत ही गोल गोल ये पूरियाँ फूली थी, और बहुत ही एकदम क्रंची बनी थी, क्रिस्पी बनी थी ये पूरियाँ। तो ज़रूर आप इसे एक बार घर पर ट्राई करना, और अच्छी बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।